स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टीएस गरेवाल के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के क्वेश्चन। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है और किस तरह से चार केसेस में हम एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर देख लिया है तो आज के वीडियो लेक्चर में आप इजीली एंट्रीज पास कर पाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है कि किस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्रीज पास करते हैं। चार केसेस मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी जो बेस्ड है प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर। क्लियर? तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन नंबर 1 नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नंबर 2 देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। देखो, इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। तीनों पार्टनर ने ईयर की स्टार्टिंग में फर्म के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट एक गुल्लक में रखी थी और उस गुल्लक को नाम दिया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। गुल्लक में जो अमाउंट रखी गई थी वो थी ₹1,20,000। ये अमाउंट उन्होंने क्यों रखी थी कि अगर साल के दौरान किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्लेम की डिमांड करता है तो हम इस गुल्लक में से पैसे निकालकर उस एम्प्लॉय के क्लेम को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन देखो, यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरा साल निकल गया लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जो ये अमाउंट गुल्लक में रखी हुई है ₹1,20,000, इसे पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹1,20,000। 1,20,000 को तीनों पार्टनर 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो ई का शेयर कितना होगा? इस कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी ₹60,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी ₹36,000। देखो, 12×5=60, ठीक है, 12×3=36 और 12×2=24। तो सी का कैपिटल कितना आ जाएगा? टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी की अमाउंट होगी ₹24,000। समझ में आया? और इन तीनों ने जो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है, ये डिस्ट्रीब्यूट की है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दोनों रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो भी और न्यू रेशियो भी। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी हो पार्टनर्स के बीच में तो वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर? अब नरेशन लिखेंगे। नरेशन होगी ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होगी इसकी नरेशन। नरेशन आपको जरूर लिखनी है क्योंकि नरेशन के भी मार्क्स होते हैं, नरेशन को आप कभी भी ओमिट मत करना। चाहे आप छोटी नरेशन लिख लेना लेकिन लिखना जरूर। अब देखो, ये जो मैंने एंट्री पास की है ये दोनों ही केसेस में सेम एंट्री पास होगी। आपकी बुक में दो केस दिए हैं। पहला केस क्या है?
व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो उसका मतलब भी यही हुआ कि किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि किसी एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरे केस का मतलब भी यही है कि किसी भी एम्प्लॉय ने किसी क्लेम की डिमांड नहीं की। कोई भी वर्कर क्लेम की डिमांड नहीं करने आया तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट थी वो एज इट इज ईयर एंड तक रखी रही। तो ईयर एंड पर जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो उससे पहले उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो when there is a claim of ₹80,000 against it। देखो इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। तीनों पार्टनर ने ईयर के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट फर्म के प्रॉफिट में से एक गुल्लक में रखी थी और उस अमाउंट को नाम दिया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थे ₹1,20,000। तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16 से डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एम्प्लॉई के फर्म में काम करते समय चोट लग जाती है, सपोज उसका पैर कट जाता है, और वो क्लेम की डिमांड करता है ₹80,000। तो पार्टनर्स क्या करेंगे कि उन्होंने ईयर की स्टार्टिंग में जो गुल्लक में अमाउंट रखी थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ₹1,20,000, इसमें से ₹80,000 उस एम्प्लॉय को क्लेम के दे देंगे। तो अब उनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कितनी अमाउंट बची है? देखो 1,20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट उन्होंने गुल्लक में रखी थी, ₹80,000 उन्होंने क्लेम के दे दिए एक एम्प्लॉय को। तो अब उनके पास जो अमाउंट बची है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के गुल्लक में वो है ₹40,000। तो इस ₹40,000 को पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने बीच में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे? देखो एंट्री में आपको सबसे पहले क्लेम की अमाउंट को कंपनसेट करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की उसे तीनों पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितनी डिमांड की है एम्प्लॉय ने? एम्प्लॉय ने कंपनसेशन की डिमांड की है ₹80,000, तो हम उसे दे रहे हैं ₹80,000। अब देखो हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? 1,20,000 में से 80,000 क्लेम को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉय को दे दिए, तो अब पार्टनर्स के पास बचे हैं ₹40,000। इस 40,000 को तीनों पार्टनर 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री होगी टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज ₹20,000। देखो 40,000 है, 40,000 को जब आप 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो एक्स के कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे ₹20,000। टू वाईज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹12,000। टू जेड कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹4,28। नरेशन होगी बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सेस रिजर्व, एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू
partner's capital account in old profit sharing ratio. तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्लियर? तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट थी ₹1,20,000, लेकिन किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्लेम की डिमांड करता है ₹80,000. तो 1,20,000 में से 80,000 उसके क्लेम को कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स ने गुल्लक में से दे दिए. तो अब उनके पास कितनी अमाउंट बची? उनके पास अमाउंट बची ₹40,000. इस 40,000 को तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. तो एक्स का शेयर है ₹20,000, वाई का शेयर है ₹12,000 और जेड का शेयर है ₹8,000. क्लियर? तो होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब मैं ले लू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज अशोक, भीम एंड चेतन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट ₹1,20,000 इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹1,50,000 एग्जिस्ट. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. देखो इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, अशोक, भीम और चेतन. तीनों पार्टनर ने ईयर की स्टार्टिंग में फर्म के प्रॉफिट में से जो अमाउंट गुल्लक में रखी थी वो थी ₹1,20,000 और इस अमाउंट पर इन्होंने चिट लगाई थी कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है. यानी इस अमाउंट को तभी यूटिलाइज किया जाएगा जब कोई एम्प्लॉय क्लेम की डिमांड करता है. अगर एम्प्लॉय के साथ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट लग जाती है और वो क्लेम मांगने आता है तो इस अमाउंट को ₹1,20,000 को यूटिलाइज किया जाएगा. लेकिन देखो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि एम्प्लॉय के ज्यादा चोट लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है फर्म में काम करते समय, सपोज उसका हाथ कट जाता है और पैर में भी चोट लग जाती है और वो क्लेम की डिमांड करता है ₹1,50,000. अब देखो अब तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, क्योंकि जो रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया था वो था ₹1,20,000, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय ने जो क्लेम की डिमांड की है वो ज्यादा है, वो है ₹1,50,000. तो किस तरह से पार्टनर्स क्लेम को कंपनसेट करेंगे? सबसे पहले तो वो गुल्लक में से निकालेंगे ₹1,20,000 और उस एम्प्लॉय को क्लेम के रूप में दे देंगे. लेकिन यहाँ पर 1,20,000 से उसका पूरा क्लेम कंपनसेट नहीं हो पा रहा, यहाँ पर शॉर्टफॉल हो रही है ₹30,000 की. ₹30,000 कम पड़ रहे हैं क्योंकि रिजर्व में सिर्फ 1,20,000 थे. तो ₹30,000 पार्टनर किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से इस क्लेम के अमाउंट को कंपनसेट करेंगे? देखो जो ₹30,000 है ये फर्म का एक लॉस है, ये फर्म की एक एक्सपेंस है, इसे पार्टनर्स अपनी जेब से भरेंगे. तो इस अमाउंट को आप कहाँ दिखाएंगे? इसे हम फर्म की एक्सपेंस में दिखाएंगे और जब भी फर्म को कोई लॉस होता है, कोई एक्सपेंस होती है तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं. तो इस अमाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे. तो किस तरह से आप एंट्री पास करेंगे? देखो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. अमाउंट कितनी है रिजर्व की? रिजर्व की अमाउंट है ₹1,20,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹, जो डिफरेंस की अमाउंट है, जो शॉर्टफॉल की अमाउंट है वो हम डालेंगे रिवैल्यूएशन में. तो यहाँ पर शॉर्टफॉल की अमाउंट है ₹30,000, तो इसे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
अकाउंट अमाउंट इज रुपीज 1,50,000। समझ में आया? देखो यहाँ पर पार्टनर्स के पास रिजर्व में जो अमाउंट थी वो थी रुपीज 1,20,000। तो इस अमाउंट को तीनों पार्टनर्स ने निकाल लिया क्लेम को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्लेम है रुपीज 1,50,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये फर्म का एक लॉस है, ये फर्म का एक खर्चा है, तो इसे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। समझ में आया? और इसकी नरेशन होगी बीइंग शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये होगी इसकी नरेशन। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ खत्म नहीं होता, एक एंट्री आपको और पास करनी होगी। तो दूसरी एंट्री आप किसके पास करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो जो रिवैल्यूएशन आपने डेबिट किया है रुपीज 30,000 से, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये फर्म का एक लॉस है, और इस लॉस की अमाउंट को तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे उसे क्रेडिट करेंगे तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, ये सेकेंड एंट्री होगी अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अमाउंट कितनी होगी? फीस 15,000। भीम का लॉस होगा रुपीज 9,000। और चेतन्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज रुपीज 3,66,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट होगी रुपीज 30,000। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया है तो यहाँ पर तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है लॉस के अमाउंट से इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आप ध्यान रखना, चाहे आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में चाहे प्रॉफिट, वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? और इसकी नरेशन होगी बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होगी इसकी नरेशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो क्लेम की अमाउंट है वो रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको दो एंट्री पास करनी होगी। पहली एंट्री में आप रिवैल्यूएशन को डिफरेंस के अमाउंट से डेबिट कर देंगे, और सेकेंड एंट्री में जब आप रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे और अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से आप दो एंट्री पास करेंगे व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व। क्लियर? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर के 16, 17, 18 तीनों क्वेश्चन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड थे आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आप कंटिन्यूटी में मेरे लेक्चर्स देखते रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चन टीएस करेवाल के मैं आपको सीरीज में एक्सप्लेन करूंगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी। क्लियर? लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी सारी क्वेरीज अकाउंट से रिलेटेड क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।